पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल ऑब्जेक्ट मूव, ठीक है, या व्हेन एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजिंग इट्स सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में इंक्रीमेंट किया जाए, क्या किया जाए मेरे भाई, इंक्रीज। अब इनकी स्पीड देखिए आप, इंक्रीज कर रही है कि नहीं, स्पीड इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है इनका, टाइम के साथ जो है स्पीड इंक्रीज कर रही है, वही हमारी वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। तो इनकी जो स्पीड इंक्रीज कर रही है, अब यहाँ पे आप देखें, तो आप देखिए कोई ये लैडर है हमारा, ठीक है, कोई लैडर है या किसी ढलान से, ठीक है, कोई लैडर है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, वहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, तो देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी में बड़ा डिफरेंस हमें दिखेगा, क्योंकि इनिशियल अभी यहाँ से स्पीड बनाना शुरू करेगा, यहाँ कुछ और स्पीड बनाएगा, यहाँ पे कुछ और स्पीड बनाएगा, इस तरीके से जब फाइनल पहुँचेगा हमारा यहाँ तो काफ़ी स्पीड हो जाएगा। इसका हम अपने लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ऊँचाई जगह से हम नीचे की ओर स्लाइडिंग करें, या किसी ऊंचाई जगह से हम साइकिल या चलाएं किसी ढलान वाली जगह में, तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। जो अगर मान लीजिए स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मेरे भाई, तो हमारा क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है एग्जाम्पल शो दैट व्हेन वी रोल एन ऑब्जेक्ट टू अ स्लोप, ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज विथ अ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पे हम देखेंगे इंक्रीज कर जा रही है। अब देखिए जैसे एग्जांपल क्या है हमारा, वो हमने यहाँ पे लिखा, एग्जांपल हमने लिखा कि बॉल रोलिंग डाउन हिल, ठीक है, बॉल को हम रोलिंग डाउन कर रहे हैं हिल से इंक्लाइंड प्लेन पे, क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा हिल है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, हिल है, ये हमारी एक पहाड़ी है या ऊंची जगह है, हिली जगह है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम किसी बाल को रोल डाउन करेंगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। ये इसकी स्पीड जब इंक्रीज करेगी, अब क्या है, बॉल जो हमारी है उसका डायरेक्शन जो है इंक्लाइंड के डायरेक्शन में है, स्पीड के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। स्पीड की डायरेक्शन में बॉल हमारी मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में बॉल भी हमारी मूव कर रही है, यही इसका इंक्लाइंड का डायरेक्शन है, तो इसलिए हमारी स्पीड को इंक्रीमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसा ही आप लोग ले लीजिए कि अगर आप कहीं से ढलान से नीचे जा रहे हैं, काफ़ी स्पीड से जाएंगे, ठीक है, तो आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, पॉजिटिविटी आई, और मान लीजिए उसका जस्ट अपोजिट होता है जो, उसे हम बच्चों मेरे भाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अब देखिए रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डिक्रीज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब डिक्रीज करना शुरू कर जाए। अब मेरे भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कहाँ पे करेगी, कहाँ पे करेगी, मानते हैं हमारी हिल है, क्या है, ये हमारी हिल है, ठीक है। अब किसी हिल पे या किसी चढ़ाई वाली जगह पे अगर आप साइकिल चलाएं तो देखेंगे आपकी स्पीड जो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। अब किसी की अपोजिट डायरेक्शन में जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी क्या होगी, स्पीड में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आपकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी तो मूविंग विथ निगेटिव एक्सेलरेशन, वो हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, हम नीचे से इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, ठीक है। यदि इसी रोलिंग और इसी बॉल को हम इंक्लाइंड जो हमारा है उसके डायरेक्शन में मूवमेंट करा दें, ये इंक्लाइंड है, इसके डायरेक्शन में हम मूवमेंट कराएं तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी मेरे भाई। स्पीड जब इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा या रिटार्डेशन होगा, इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है किसी हिल पे तो हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन होने लगा। अब आप जनरल ले लीजिए कि मान लीजिए कोई पहाड़ी पे आप चढ़ाई कर रहे हो तो आप ऊपर जब जाते हो तो धीरे धीरे जाते हो,
ठीक है, आपकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, लेकिन अगर आप नीचे आ रहे हो, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो मेरे भाई, जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज करती है, क्या करती है इंक्रीज। तो अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाएंगे। अगर हम निगेटिव और क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे मेरे भाई, निगेटिव एक्सीलरेशन कहलाएंगे। आई होप आपको पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलरेशन समझ में आया होगा। एक और एक्सीलरेशन है जिसे जीरो एक्सीलरेशन हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो एक्सीलरेशन कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, जीरो एक्सीलरेशन कहते हैं। पहले आप देखिए एक चीज़ और, रिटार्डेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम जीरो एक्सीलरेशन देखेंगे अपना, जीरो एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, ठीक है, उसकी डिफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, और जीरो एक्सीलरेशन देखने के बाद कुछ क्वेश्चन हम एक दो लेके सॉल्व करेंगे, देन हमारा ये पार्ट जो होता है एंड होता है। उसके बाद आएगा हमारा ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाए जाएंगे, क्या ग्राफ क्या होंगे, उसका भी एक पार्ट लेके आएंगे। उसके बाद एक मोशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की मोशन को आपको दो पार्ट में दो टाइप से डिराइव करेंगे, ग्राफ, एक आपका ग्राफिकल मेथड होगा और एक नॉर्मल वैल्यू रख के कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा एक रिटार्डेशन और है, एक एक्सेलरेशन एक प्रकार का और है हमारा। उसके बाद तो बहुत सारे एक्सेलरेशन होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो आपके बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब आता है हमारा जीरो एक्सेलरेशन, क्या आता है, जीरो जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, या इसी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, क्या है, इफ चेंज इन वेलोसिटी, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो इंडिकेटिंग दैट जीरो, इंडिकेटिंग दैट, इंडिकेट करती हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज नाइदर एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज, एन ऑब्जेक्ट इज नाइदर एट रेस्ट नाइदर एट रेस्ट, ठीक है, नॉर मूविंग, नाइदर रेस्ट नॉर मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव जीरो एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी जीरो एक्सेलरेशन, वो हमारा जीरो एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि इफ चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेटिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग, या तो रेस्ट में हो या तो मूविंग हो, एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, आइदर एट रेस्ट और मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी
द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कौन मूवमेंट करता है, कोई नहीं करता, ठीक है, ये प्रैक्टिकल कंडीशन हो जाती है, ये हमारी डिफिनेशन हुई, ठीक है मेरे भाई, ये हमारी डिफिनेशन हुई। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस को अपने लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस को हम अपने लेते हैं और सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स इस पे लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या है, यहाँ से कुछ एग्जांपल्स को हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये पार्ट को ख़त्म करते हैं एक्सेलरेशन के, और आगे बढ़ चलते हैं हम अपने सिस्टम को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन है कि आयन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, ठीक है, आयन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप आयन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, एन इंक्लाइंड प्लेन its velocity change from 15 centimeter, ठीक है, टू 10 centimeter per second in two second, what is acceleration, यहाँ पे हमसे ए पूछ लिया है, क्या पूछा मेरे भाई, ये पूछा है एक्सेलरेशन का फार्मूला, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था मेरे भाई, क्या पढ़ा था एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इसको जब हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं मेरे भाई तो क्या लिखते हैं, a = u - v / t, जहाँ पे u क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और v क्या होता है मेरे भाई, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन माइनस फिफ्टीन बाई टू, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -2.5 meter per second² माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई, स्पीड जो है रिटार्डेशन है या निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है,
या इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमने क्लियर, क्वेश्चन को फिर से समझ लें। एक्सीलरेशन का फार्मूला हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फार्मूला होता है जहाँ यू फाइनल वेलोसिटी, वी इनिशियल और ए एक्सीलरेशन होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। हमने वैल्यू पुट कर दिया फाइनल माइनस इनिशियल का, फार्मूला हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब इतने छोटे छोटे इतने बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग इसमें डरने की बात नहीं है, जो पूछ रहा है वही हम निकालेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा सेक्शन ग्राफ का शुरू होता है। क्या शुरू होता है मेरे भाई, क्लास नाइन्थ का मोशन में जितने भी प्रकार के ग्राफ अभी तक बने हैं, सारे ग्राफ को हम यहाँ पर बनाए।